मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं और उसी को लेकर पार्टी के लोग टिकट लेने के लिए पार्टी के दफ्तर के चक्कर भी काट रहे हैं। वही आपको बता दें, मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र जो 149 आता है, वहाँ से एनसीपी शरद पवार चंद के पक्ष के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है, वहीं पर एनसीपी अजीत पवार पक्ष के उम्मीदवार नजीब मुल्ला है, जिसके बाद आज 27 अक्टूबर को एमआईएम के कलवा मुमरा अध्यक्ष सैफ पठान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का टिकट डिक्लेयर किया गया, जिसके बाद पूरे शहर में एमआईएम कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश व खरोश का माहौल है। इस तरीके के ऐलान के बाद जैसे ही सैफ पठान मुमरा पहुँचे, तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका पार्टी ऑफिस पर शानदार स्वागत किया गया, उनको फूल हार पेश किए गए, मिठाइयाँ बांटी गई और जश्न मनाया गया। उसके कुछ ही देर के बाद कौसा के नूरानी होटल के पास भी पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई। इस मौके पर हमने सैफ पठान से बात की कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके का मुकाबला रहेगा दो उम्मीदवारों के बीच में, क्या कुछ कहा सैफ पठान ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। सैफ भाई क्या कहेंगे, आज पार्टी ने टिकट दिया आपको, क्या कहेंगे? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मौका मिला। फिर मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मेरे शहर की शायद खिदमत कर सकूँगा, कल मेरे शहर का यानी जो काम रुका हुआ उसे मैं अंजाम पहुँचा सकूँगा, जो भी मेरे शहर के साथ जुर्म हो रहा है उसको रोक सकूँगा। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। देखिए, चुनावी मुद्दों से भरा पड़ा है हमारा शहर, हर मुद्दों से भरा पड़ा है। हमारा सबसे पहला जो हमारा मिशन रहेगा कि हम टोरेंट को किस यहाँ से हटाते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग मुसलसल टोरेंट के खिलाफ यानी एक जंग लड़ते आए, हमने काफ़ी हद तक उसके यानी जुल्म को रोक रखा है। लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला वो बात वो मौका आया है कि जब हमको यानी लोग यहाँ से कामयाब करके असेंबली में भेजेंगे, जहाँ से यहाँ के मौजूदा विधायक ने उसको मांग करके लेकर आया था कुछ चंद कमीशन के लिए, हम उसको इंशाल्लाह ताला वहाँ जा करके रोकेंगे। दो लोगों की लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? देखिए, इसमें दो लोगों की लड़ाई कहीं भी नहीं दिख रही, आपको लग रहा है कि कहीं पे लड़ाई चल रही है, मुझे तो उनके छोड़े हुए लगते हैं। और ये बीजेपी का कैसा हमारे उसमें, अरे इससे पहले भी एमपी इलेक्शन में आपने देखा नहीं बीजेपी का क्या हाल करा हमारे शहर में, तो कहीं भी मुझे यानी बीजेपी के जो कैंडिडेट है कहीं भी लड़ाई में दिख नहीं रहे, ठीक है। और अभी जो भी है और इनसे भी कोई अभी हमारा मुकाबला लग नहीं रहा, आपको पता है कि हमारी आवाम ने इनको जो यहाँ के मौजूदा विधायक है उनको भी नकार रखा है, क्या सबके सामने उनकी बात है, सबको पता है कि उनसे उनका क्या करप्शन है, उनने क्या है हमारे शहर के साथ किया, किस तरीके से हमारे शहर का कब्रस्तान बेच दिया, हमारा स्लाटर हाउस रोजगार का जरिया बेच दिया, हमारा यानी क्या बोलते हैं जो हॉस्पिटल हमारे शहर को मिला 15 साल, जो 3-4 फ्लोर का बनना था उसे एक माले का बनाया गया पहले, उसके बाद भी उसको प्राइवेट कर दिया गया, क्या हमारे शहर को आज मिला है, तो कहीं भी यानी हमको नहीं लगता कि वो भी हमारे साथ लड़ाई में इंशाल्लाह, हमको तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से एक अनजान चेहरे को जिसको हमारा शहर नहीं जानता था एमपी इलेक्शन में मेरे शहर ने उनको मौका दिया, तो मैं तो इस शहर का बच्चा हूँ, मैं तो इस शहर की यानी मिट्टी से पैदा हुआ बच्चा हूँ मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाम मुझे पतंग 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 पतं